ललन कुमार ने तो बहुत पहले से ही कर रखा, जबकि वो ना विधायक है और ना वो कुछ है, कांग्रेस का प्रत्याशी है वो, लेकिन उसने कोरोना काल में बहुत किया है और इधर भी वो बहुत कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव करीब है, ऐसे में हम लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहां की समस्याएं भी सुन रहे हैं और जनता क्या सोचती है ये भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में हम मौजूद हैं बख्शी का तालाब विधानसभा के भाकामऊ गांव में, जहां पर हम यहां के लोगों से ही बात करेंगे कि गाँव में कितना विकास हुआ है, क्या विकास दिख रहा है गाँव में। गाँव में सरकार तरफ से कोई विकास दिख रहा है, बस यहीं पर जो क्षेत्रीय हैं विधायक वो आज तक दिखे ही नहीं दिखे ना, आज तक गांव आए इलेक्शन से पहले ना इलेक्शन के बाद, और यहाँ पर ऐसा कोई वो नहीं है। थोड़ा बहुत जो चल रहा है जैसे अनाज वगैरह बट रहा है फ्री में, तो वो भी अभी मतलब उसके सुचारू ढंग से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक बटा नहीं है और जो बट रहा है तो वो हाफ मिल रहा है, मतलब सारे काम ऐसे ही आधे अधूरे ही हो रहे हैं। तो क्या वोट मांगने के लिए, जैसे चुनाव करीब है, विधायक जी वोट मांगने के लिए अगर यहाँ आते हैं तो क्या रिएक्शन होगा? भाई अभी तक दिखे नहीं, इलेक्शन पहले भी नहीं दिखे और अब भी नहीं दिख रहे हैं, और जब आएंगे अभी रोडें सब टूटी पड़ी हुई हैं, गड्ढा मुक्त बता रहे थे कुछ नहीं। तो कहते हैं कि उन्होंने सड़कें बिछवा दी हैं बख्शी का तालाब विधानसभा। अरे तो सर देख लीजिए उसमें क्या बात, आपका कैमरा सामने देखिए सड़क कैसी है सब। यहाँ पर क्या कहेंगे, कितना विकास दिख रहा है गाँव में? विकास तो बहुत दिख रहा है, आप देख लीजिए जितना है गाँव, मकान, किसान, हर कोई तो परेशान है। किस हिसाब से जैसी है, डीजल बताइए, पेट्रोल बताइए, इतना महंगा कि हिसाब से कहते हो कि ना DAP मिल पा रही है, ना यूरिया मिल रही है, ना पोटास है, ना जिंक है, गवर्नमेंट से हमें कुछ मिल ही नहीं रही सुविधा। सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है? हम लोगों को कोई लाभ इस गांव से नहीं मिला, जो भी किया है वो प्रधान अपने अंडर से काम किया है, थोड़ा बहुत काम हुआ है, बाकी कोई काम ऐसा कोई नहीं हुआ इस सरकार में। दादा जैसे बहुत सारे तरीके के हर वर्ग के लोग रहते हैं गाँव में, कुछ गरीब भी होते हैं, कुछ मतलब अमीर होते हैं, ठीक होते हैं, लेकिन कितना जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको कितना सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, कहाँ तक योजनाएं पहुंच रही हैं? 60 साल ना 80 साल कुछ मिली भी नहीं किया है, बस सिलेंडर कुछ लोग पैन है और कुछ लोग पैन है वो कुछ लोग न, गेहूं चावल तो खैर ये तो कांग्रेस के जमाने का रह, गेहूँ चावल ये कोई अजूबा तो दे नहीं रहे हैं, ये 4-5 महीने ये लॉकडाउन जो लगा रहा है उमा दिन है नहीं वह सिलेंडर एक बार मिला है उसके बाद से जो स्थिति है गांव की आप वाकिफ होंगे, सब खत्म, कुछ नहीं, नहीं 960-970 का क्या लोग भरवा पा रहे हैं या चूल्हे पे खाना पड़ रहा है? सबके धरे हैं, सबके घर में चूल्हे देख ले जाए घुस गए, आओ का करे। चुनाव करीब है तो जनता अब तक तो सोच ली होगी कि क्या करना है, तो किस आधार पर वोट करेंगे, नाम पर वोट करेंगे या काम पर वोट करेंगे? नहीं काम पर हुई है, नाम पर वोट तो नहीं, काम करने वाला कोई ऐसा आपकी नजर में है अभी? अरे काम करे वाला अखिलेशो काम की और कांग्रेस एक नंबर पर रहबे करे, अगर कांग्रेस आ जाए तो दुनिया सब कुछ हो जाए। हाँ क्यों बताइए भैया, जैसे अब चुनाव करीब है तो किस आधार पर वोट होगा, नाम पर, काम पर? काम पर, काम पर जी। तो मैं वही सवाल मैं आपसे भी कर रही हूँ कि कोई है नजर में? अब इसलिए असल में ऐसा कि इस टाइम सापा वाले जो है कुछ कर रहे हैं, और ललन कुमार ने तो बहुत पहले से ही कर रखा, जबकि वो ना विधायक है और ना वो कुछ है, कांग्रेस का प्रत्याशी है वो, लेकिन उसने कोरोना काल में बहुत किया है और इधर भी वो बहुत कर रहा है, ये है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो ही का मामला है, सापा या BJP, तीसरे नंबर पे अदर पार्टियाँ हैं। क्या लगता है कांग्रेस को सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं हम लोग सपोर्ट उसको करेंगे जो काम करेगा, नाम नहीं करेगा, जो काम करेगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। योजनाओं का किस हद तक लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, ना खाद ना पास, और महंगी भी तो मिल रही होगी, लाइन में नहीं लगते क्या? नहीं 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 कुछ नहीं मिल रहा, अब तो मिल भी नहीं किए। क्या कह रहे हैं? दुकान में नहीं तो लाइन कहा। अविनाश तिवारी ई रोड से अगर एको दफे निकले है ठिठुके नहीं है, उनके बाप चंद्रशेखर तिवारी रहे कांग्रेस में, वह एक जात से कहीं नहीं बुढ़े नेता रहे, उनके बाबो यहाँ विधायक रह चुके रामपाल त्रिवेदी, मतलब अविनाश त्रिवेदी द्वारा कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं, अरे सकल नहीं दिखाई, काम तो बहुत एको बार एक यहाँ क्षेत्र में आई बेने के हैं। कितना विकास दिख रहा है? कुछ नहीं, देखो गड्ढे, देखो ये रोड पे गड्ढे देखो, लेकिन उन लोगों ने तो गड्ढा मुक्त
हाँ तो यही तो कुछ मुखता है, देख लियो आप आगे तो बढ़िए थोड़ा। ये बता दीजिए कि अब चुनाव करीब है, किस आधार पर वोट करेंगे, नाम पर या काम पर? नहीं काम पर करेंगे। कोई है नजर में? हाँ है, कहा कौन है? अखिलेश है। अखिलेश है। और अगर विधायक की बात की जाए तो क्या लगता है आपको, कौन हो सकता है? जो अखिलेश की पार्टी से खड़ा होगा उसको वोट कर जाएगा। मतलब बस आंख बंद करके अखिलेश जी। चलिए तो जैसा कि आपने देखा, हमने भागामऊ के लोगों से बात करी है, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद थे। इन लोगों ने ये साफ कर दिया है कि जो इनके वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है। वो इसी सड़क से गुजरते हैं लेकिन रुक कर गाँव वालों की सुध तक नहीं लेते हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है जिसमें तमाम तरीके की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लोगों ने ये भी कहा है कि और भी पार्टियां हैं जिन्होंने काम किया है, ललन कुमार का भी नाम इसमें शामिल है जो कांग्रेस के नेता हैं, जो कोरोना काल में लोगों की काफी ज्यादा मदद किए हैं। लेकिन इन लोगों ने यह भी कहा है कि जो अब इनके लिए काम करेगा जनता उसी का समर्थन करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, कैमरा पर्सन लकी के साथ मैं शिवांगी, जेएमडी खबर।